Question number 15. A contract on construction job. Specify a penalty for delay of completion beyond a certain date is ₹200. यानी construction का काम है जिसमें अगर काम को delay किया जाए तो penalty per day के according कितनी है हमारी 50. First day penalty कितनी है 200. Second day कितनी हो गई penalty हो जाएगी 250. Third day हो जाएगी 300. अब टू सोन यानी पर डे कितना चेंज आ रहा है पेनल्टी में 50 रुपीस इंक्रीज हो रही है. सो हाउ मच मनी ही हैज़ टू पे एज अ पेनल्टी इफ़ ही डिलेट द वर्क बाय 30 डेज. तो हमें बताना है कि ये कितनी पेनल्टी पे करनी पड़ेगी अगर वो काम को डिले करता है 30 डेज के लिए. अगर वन डे डिले करता है तो 200. टू डेज डिले करता है तो सेकेंड डे के लिए 250. थर्ड डे के लिए 300. नेक्स्ट हो जाएगी 350, फिर 400. इस तरह से सीक्वेंस होती जाएगी. उसमें बताना है कि 30 डेज अगर वो काम को डिले करता है तो कितनी पेनल्टी पे करनी पड़ेगी. तो हमारा एन कितना होगा यहाँ पे 30 डेज, यानी नंबर ऑफ डेज कितने हैं हमारे टोटल 30. 200, 250, 300 अप टू सोन. तो ए कितना है हमारा 200. डी कितना हो गया हमारा 250 माइनस 200 इज 50. एन कितना है हमारे 30, क्योंकि 30 डेज की निकालनी है हमें. तो हमने फॉर्मूला ये वाला यूज़ किया क्योंकि हमें लास्ट टर्म गिवन नहीं है. तो एन की वैल्यू पुट कर ली, ए की वैल्यू पुट कर दी, एन की वैल्यू एंड डी की वैल्यू पुट कर ली हमने. आगे इसको हमने सॉल्व कर लिया और सॉल्व करके 200 टू जा 400, 30 माइनस 1 इज 29 इंटू 50, इट इज़ 1450. When it is add in 400, it is 1850. 30 by 2 is 50. और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा आंसर.